सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया मेरे मेरा कोई न सहारा बिन तेरे गोपाल सांवरिया मेरे गोपाल सांवरिया कई बार मानव जीवन में मनुष्य जो करता है उसे ऐसा लगता है कि मैं स्वयं बुद्ध हूं, मैं स्वयं ब्रह्म हूं। कहा भी गया है अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन वो एक स्थिति का नाम है कि आप वहां पहुंचे फिर आपने कहा कि मैं उसका अंश हूं। उस तरीके का आचरण, उस तरीके का ज्ञान लेने के बाद की स्थिति का नाम। लेकिन कई बार मानव अपने जीवन में अपनी बातों को जो वो नित्य व्यवहार में कर रहा है उन्हें उचित बता देता है, चाहे वो उचित ना हो। जैसे एक भिखारी एक मंदिर में नित्य जाता था और कहता था, भगवान मुझे 100 रुपए दे दो, 100 रुपए, 101 दोगे तो भी नहीं लूंगा, 99 दोगे तो भी बिल्कुल नहीं लूंगा। रोज जाके जो है वो मंदिर के बीच में घंटा बजा के जोर जोर से चिल्लाता। एक दिन भगवान ने कहा कि चलो मैं ऐसे 100 रुपए दे के देख लेता हूं कि लेता है कि नहीं लेता है। तो उन्होंने वहां एक रूमाल में 99 रुपए बांधे और गिरा दिए। अगले दिन भिखारी मंदिर में आया, उसने देखे पैसे वहां थे, उसने उठाया, देखा कौन कहता है कि भगवान देता नहीं, कोई बहरा है, मुझे दे दिया। अब उसने रूमाल खोला और उसमें गिना तो उसमें 99 रुपए थे। अब वो डेली ये कहता था कि यदि 99 देगा तो लूंगा नहीं और 101 देगा तो भी नहीं लूंगा, सिर्फ 100 लूंगा। अब उसने देखा कि उसमें 99 रुपए थे, बोला वाह भगवान, मान गया मैं, तेरे जैसा ज्ञानी कोई नहीं है दूसरा, 1 रुपया रूमाल का पहले ही काट लिया, 99 भेजे। तो हम अपना गणित अपने मन से एकदम सही कर लेते हैं, हम अपना गणित अपने हिसाब से व्यवस्थित कर लेते हैं। तो अजामिल ने आज किसी के साथ होने से अपनी मन बुद्धि चित्त को खो दिया और अपनी बेहता पत्नी को धक्के देके घर से बाहर निकाल दिया। वो क्या सुंदरता देखना चाहता था बाहर, कानी कुब्ज दुजो कश्चित दासी पति रजा मिला नामना नष्ट सदाचारो दास्यः संसर्ग दूषिता। ये केवल कथा है कि किसी के संबंध में आने से आप दूषित हो जाते हैं। वेश्या को घर में ले आया, अपना कमंडलू माला झोली सब गंगा जी में प्रवाहित कर दी, नित्य वेद पाठी ब्राह्मण दूषित हो गया।
वेश्या ने कहा किताबों में आग लगा दे, उसने आग लगा दिया, कमंडल माला झोली और इस त्रिशूल को लेकर गंगा जी में बहा दे, उसने गंगा जी में बहा दिया। अब जहां नित्य वेदों के श्लोकों का गूंज होती थी, गायत्री पढ़ी जाती थी, अब वहां वेश्यावृत्ति की चर्चाएं हो रही हैं। अजामिल जो ईश्वर का भक्त था अब अपराधी बन गया। वो कैसे साधना थी, वो क्या सुंदरता थी। कभी माता बहनों को देखना हो तो आप सुबह देखिए, उठते ही कैसे वो आपसे पहले उठ के बच्चों की तैयारी में लग जाती हैं, घर की सुंदर बनाने में, घर की साफ सफाई में लग जाती हैं। कैसे वो अपने कई बार नित्य कर्म को भूल जाती हैं। और फिर उधर माता पिता ने औषधि मांगी, औषधि दी, इधर बच्चों को जाना है और इधर फिर उनका टिफिन लगाना है, इतने में तौलिया की मांग आ गई तो तौलिया भी दे रही हैं। कैसी मशीन बन जाती हैं माताएं बहनें सुबह घरों में। क्या ये जप नहीं है, क्या ये तप नहीं है, ये तप है, ये सेवा है, ये व्यर्थ नहीं है, इसकी काउंटिंग है। जब कर्दम तपस्या कर रहे थे और देवहूति उनकी सेवा कर रही थी तो 12,000 वर्ष के बाद जब उनकी तपस्या भंग हुई तो जब तक देवहूति जर्जर हो गई थी, शरीर की सुंदर तक बेकार हो गई थी, तो कर्दम ने कहा कि मैंने जो जप किया है उसमें आधा हिस्सा तेरा है। और जैसे ही आदि तपस्या का उसे आभास हुआ तो उसका यौवन वापस आ गया। तो ये जो नित्य कर्म है, ये जो आपके जीवन के साथ साथ जो परंपराओं के अनुसार जो कर्म आप कर रहे हैं वो जप है। एक कुछ साधु संन्यासियों की टोली जा रही थी, वहां गांव में कुछ महिलाएं कंडों पे लड़ाई कर रही थी आपस में, कुछ गाय के गोबर के उपले बनाए और उस पर कुछ गांव की माताएं आपस में लड़ रही हैं। तो वहां संन्यासियों की टोली, संतों की टोली दूर से उन्हें देख रही है, हंस रही है उन पर कि कैसी महिलाएं हैं ये, देखो कंडों पे लड़ रही हैं। तो उनमें से एक महिला ने जब उन्हें देखा कि बाबा जी तो हंस रहे हैं हम पे, तो उन्होंने इशारे से कहा महात्मा जी यहां आइए।